मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुर्गियों के धंधे में भी अब गैंगवार शुरू हो गया है। मुर्गी बेचने वाले एक दुकानदार के पास कुछ लोग पहुंचे और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करते हुए इन लोगों ने धमकी दिया और कहा कि मुर्गी अगर खरीदना है तो वो भाई से ही खरीदे। मुर्गी वाला ये भाई कौन है अभी तक ये पता नहीं चल सका है। मामला कल्याण का है। अलीम शेख नामक एक व्यक्ति की पतरी पुल के पास मुर्गी की दुकान है और सुबह 5 बजे ही इन्होंने अपनी दुकान खोला और उसी वक्त मुर्गी की गाड़ी आई जिससे अलीम मुर्गी ले रहे थे, मगर पीछे से 4 से 5 लोग पहुंचे और पहले मुर्गी के गाड़ी के जो ड्राइवर था उसके साथ मारपीट की। उसके बाद दुकानदार अलीम शेख के साथ मारपीट की और कहा कि मुर्गी सिर्फ भाई से ही लेना है। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन में अलीम ने कर दी है और पुलिस पता लगा रही है कि आखिर ये मुर्गी वाला भाई कौन है। क्या हुआ आपके साथ? मैं इधर चिकन का धंधा करता हूँ। रात को 5 बजे के टाइम पे कुछ 6 से 7 छोकरे लोग रिक्शा भर के आए और उन्होंने मेरी गाड़ी वाले को तो पहले भगा दिया और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत हाथ उठाया, मुझको बहुत मारा, मारहान किया है। और उन लोग ये बोल रहे थे कि दूसरे का माल लेने का नहीं, खाली भाई का माल लेने का, भाई का माल। अभी इनका भाई कौन है देखो आप लोग, और ये ज़बरदस्ती मार रहे। अब ये भाई इनका मेरे को जहाँ तक अंदाज है जो चक्की नाके का है, हाँ वो मुर्गी का कुछ धंधा उसने चालू किया है, उसकी ज़बरदस्ती है कि हमारा माल लो। अरे हम काहे को किसका माल ले, हमको जो देगा 2 पैसा कम हम उससे माल लेगा, हम बेचेगा। इनकी दादागिरी है, ये ज़बरदस्ती हमको सता रहे, मार रहे हम गाय गरीब को।